ये अपनी पहली बार ब्रेक पैड चेंज होनी है, तो चलते हैं आज ब्रेक पैड चेंज करवाने। पहले हम सर्विस सेंटर चलेंगे, उसके बाद चलेंगे मार्केट, देखते हैं दोनों जगह प्राइस में क्या फ़र्क आता है। तो वही अपने फ्रंट वाले डिस्क पैड चेंज हो चुके हैं, अब बात करते हैं हम प्राइस की। प्राइस में हमने जो आ रही है आवाज़, हेलो भाई, अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ ऐसी आवाज़ आती है तो ये आवाज़ जो है ब्रेक पैड्स घिसने के बाद आती है। जाहिर सी बात है कि ब्रेक पैड्स घिस चुके हैं, अपनी गाड़ी के भी ब्रेक पैड्स घिस चुके हैं और घिस के थोड़ी सी जो है डिस्क पे स्क्रैचेस भी आ गई। अब तक गाड़ी 45,000 किलोमीटर तक चल चुकी है, ये अपनी पहली बार ब्रेक पैड चेंज होनी है, तो चलते हैं आज ब्रेक पैड चेंज करवाने। पहले हम सर्विस सेंटर चलेंगे, उसके बाद चलेंगे मार्केट, देखते हैं दोनों जगह प्राइस में क्या फ़र्क आता है, उसी अकॉर्डिंग चेंज करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं चेंज करवाने। तो भाई अभी हम आए थे मारुति सर्विस सेंटर में, यहाँ पर ये मारुति जनरल पार्ट्स के ब्रेक पैड है फ्रंट वाले, इन्होंने इसका प्राइस 2,850 रुपये बताया है। अब हम एक बार चलते हैं मार्केट में, अदर कंपनी के ब्रेक पैड है उनका क्या कुछ प्राइस जो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए मार्केट चलते हैं। तो भाई फाइनली हमने ये बोस वाले जो फ्रंट डिस्क पैड है ले लिए हैं, ये हमें 1,050 रुपये के पड़े। अब मारुति जनवन पार्ट्स की बजाय ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, अब देखते हैं ये चलते कितने। तो भाई चलिए अभी यही वाले डलवाते हैं और पीछे वाले की भी कंडीशन चेक करवाते हैं क्या कुछ उनकी कंडीशन है। तो वही अपने फ्रंट वाले डिस्क पैड चेंज हो चुके हैं, एक बार हमने साथ में ही पीछे वाले जो ड्रम ब्रेक रहते हैं उनकी भी कंडीशन चेक करवाई ली साथ में, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये 1,00,000 किलोमीटर तक आराम से निकाल देते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइस की। प्राइस में हमने जो कंपनी मारुति जेन्युइन पार्ट्स के ब्रेक पैड थे उनमें और जो हमने अब डलवाए हैं बोस वाले, इन दोनों में 1,800 रुपये का डिफरेंस है। प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है। अब देखना ये है, साथ वालों ने 45,000 किलोमीटर निकाल दी तो बोस वाले कितने किलोमीटर तक निकाल पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।